हेलो फ्रेंड्स, पायल आईएएस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं यूरोपियन यूनियन क्या है। यूरोपियन यूनियन यूरोप के 28 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, जहां पर ये सदस्य देश अपने प्रशासकीय कार्य करते हैं। यूरोपीय यूनियन के नियम सभी सदस्य देशों पर लागू होता है। आइए देखते हैं 1957 से हुई इसकी शुरुआत। 1957 में रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों ने अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर इसकी स्थापना की और इसमें समय के अनुसार बदलाव होता रहा और 2007 में लिस्बन समझौते के तहत सुधारों की प्रक्रिया 1 जनवरी 2008 से शुरू हुई। आज यूरोपीय यूनियन में 6 से बढ़कर सदस्य देशों की संख्या 28 हो चुकी है। आइए देखते हैं सदस्य राष्ट्रों को एकल बाजार। यूरोपीय यूनियन के सदस्य राष्ट्र एकल बाजार के रूप में व्यापार करते हैं। इसके कानून सभी सदस्य देशों पर लागू होता है। यूरोपीय यूनियन के नागरिकों को व्यापार के लिए 4 सुविधाएं निश्चित तौर पर मिलती हैं। आइए देखते हैं एकल मुद्रा प्रणाली। 1999 में यूरोपीय संघ के 15 सदस्य देशों ने एक नई मुद्रा यूरो को अपनाया। इसके साथ यूरोपीय यूनियन ने अपनी विदेश सुरक्षा न्याय नीति की घोषणा की। यूरोपीय यूनियन के किसी देश में यात्रा करने के लिए पासपोर्ट की बाध्यता को खत्म कर दिया गया। आइए देखते हैं यूरोपीय यूनियन है कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य। यूरोपीय यूनियन संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विश्व व्यापार संगठन में अपने सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है। यूरोपीय यूनियन के 21 देश नाटो के भी सदस्य हैं। यूरोपीय यूनियन के महत्वपूर्ण संस्थानों में यूरोपियन कमीशन, यूरोपीय संसद, यूरोपीय संघ परिषद, यूरोपीय न्यायालय एवं यूरोपियन सेंट्रल बैंक इत्यादि शामिल है। आइए देखते हैं 2012 में मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। यूरोपीय यूनियन को वर्ष 2012 में यूरोप में शांति और सुलह, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की उन्नति में अपने योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं 28 देशों का संगठन है यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन में शामिल देशों में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवानिया, स्पेन, स्वीडन एवं यूनाइटेड किंगडम और क्रोएशिया हैं, जबकि 3 देश इसका सदस्य बनने की प्रक्रिया में हैं और आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। आइए देखते हैं सभी यूरोपीय देश नहीं हैं इसके सदस्य। यूरोपीय यूनियन में कुछ यूरोपीय देश जैसे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एवं सोवियत रूस इसका हिस्सा नहीं है। कुछ सदस्य राष्ट्रों के भूमि क्षेत्र भी यूरोप का हिस्सा होते हुए भी संघ के भौगोलिक नक्शे में शामिल नहीं है, उदाहरण के तौर पर चैनल एवं फरोर द्वीप का हिस्सा। आइए देखते हैं काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है प्रमुख कार्यकारी संगठन। यूरोपीय यूनियन अपने कई प्रशासनिक एवं अन्य इकाइयों द्वारा संचालित होता है, जिनमें मुख्य रूप से काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय कमीशन एवं यूरोपीय पार्लियामेंट मुख्य हैं। यूरोपीय आयोग संघ के प्रमुख कार्यकारी अंग के तौर पर काम करता है और इसके प्रतिदिन के कामों की जिम्मेवारी इसी पर होती है। आइए देखते हैं ब्रिटेन ने क्यों चुनी बाहर निकलने की राह। ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन के कानून का पालन करना पड़ता था, जिसमें ब्रिटेन को दिक्कत का सामना करना पड़ता था। ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन में रहने के कारण प्रतिवर्ष कर्ज में डूबता जा रहा था। ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और ब्रिटेन के लोगों की नौकरियों पर प्रवासियों ने कब्जा जमा रखा था, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ रहा था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।